फाइनली भाई इमिग्रेशन क्लियर हो गया। अभी आ चुके लंदन एयरपोर्ट पे, हीथ्रो पे। यहाँ से बस आप वेट करेंगे 2-3 घंटे, उसके बाद जाएंगे फिर मॉन्ट्रियल एयर कनाडा से। अच्छा, तो हमें जाना है टर्मिनल 2 पे, लेफ्ट में बाय टर्मिनल 2 चलते हैं। ये देखो गाइस लंदन का ड्यूटी फ्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखो भाई डिफेंडर है, ये देख रहे हो तुम फर्क लंदन का। अभी हम कर चुके हैं भाई लंदन से टेक ऑफ और अब अपनी फ्लाइट जाएगी डायरेक्ट मॉन्ट्रियल में। अभी हैं हम एयर कनाडा में और अपने चार तुम व्यू देखो, क्या बढ़िया व्यू आ रखा है यार यहाँ पे। और ये है भाई पूरा लंदन, कुछ ऐसा दिखता है और गजब व्यू है भाई। कैमरा में पता नहीं ऐसी अच्छी क्वालिटी आ रही है नहीं आ रही, पर इन रियल काफ़ी बढ़िया व्यू है। और तुम देखो यार यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा रखा है, बादल ऐसे दिख रहे हैं जैसे किसी ने कॉटन रख रखी हो, जैसे पेंटिंग बनाते थे ना बचपन में वो वाला हिसाब, आर्टिफिशियल लग रहे हैं भाई। पोल्यूशन नहीं है उसकी वजह से कितना बढ़िया व्यू आ रखा है, चेकआउट करो यार। तो भाई अब आ चुके अपनी मील, सामने चल रही है मस्त मूवी। अभी मैं हूँ मैं एयर कनाडा के अंदर और मूवी देख रहे हैं साथ के साथ भाई, अपने मील भी लेंगे खाएंगे अभी। और तुम चेकआउट करो यार पिक्चर क्वालिटी कितनी बढ़िया रखी है, काफ़ी सही यार पिक्चर क्वालिटी। बाकी मील खाते हैं और बाहर देखो यार। लो भाई आ चुके मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट। अच्छा ठीक है, अभी इमिग्रेशन की साइड चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। पहले मैं खुद कंफ्यूज हूँ, अपने कंफ्यूजन को दूर करूँ, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है ठीक है। फाइनली भाई इमिग्रेशन क्लियर हो गया, मिल गया अपने जो भी परमिट वगैरह थे स्टडी और वर्क परमिट। अब यहाँ से निकले, हम निकलेंगे एडमिंटन के लिए। तो भाई अभी एडमिंटन आ चुके और अपने बैग आ जाते हैं, दोनों बैग को पिक करेंगे बस आने में ही है, फिर चलते हैं यहाँ से। लो भाई आ गए एयरपोर्ट के पार एडमिंटन। फाइनली भाई कैब करवा के आ चुके एयरपोर्ट से बाहर और अब जा रहे हैं अपार्टमेंट में जहाँ हमें जाना है। तो व्यू देखो यार बढ़िया रखा है काफ़ी, बाकी चलते हैं यार। अब बात करते हैं पूरी प्रोसेस की, स्टार्टिंग टू एंडिंग जो भी प्रोसेस थी अब करते हैं उस पर बात। तो देखो जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करोगे, एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आपका पासपोर्ट प्लस आपकी जो टिकट होती है वो आपको बाहर दिखानी पड़ेगी, उसके बाद आप एंट्री कर जाओगे एयरपोर्ट पे, उसके बाद आप बाहर नहीं आ सकते ऐसे। ठीक है, तो एंट्री कर ली, उसके बाद आप देखो कि कौन सी जो आपने फ़्लाइट करवाई है, जो भी फ़्लाइट करवाई है वो कौन सी एयरलाइंस की है। मेरे केस में मेरी भाई लेओवर थे, दो लेओवर थे, इंडिया टू लंदन, लंदन टू मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल टू एडमिंटन। सो दिल्ली टू लंदन जो था वो था एयर इंडिया, उसके बाद एयर कनाडा।
सो अभी बात करते हैं एयर इंडिया की। सो जैसे ही आप एंट्री करोगे बिल्कुल सामने आपको एयर इंडिया का काउंटर मिलेगा, उस पर जाओ भाई, बड़ी लंबी लाइन होती है, ठीक है। तो पर हाँ ये है कि आधे पौन घंटे में नंबर आ जाता आपका। चल झूठा। मेरी थी सुबह 6:30 की फ्लाइट, तो मैं 3 बजे के अराउंड पहुंच गया, मतलब 2:30 बजे एंट्री कर ली थी मैंने, ठीक है। 3 बजे तक तो मैं फ्री हो गया था। जैसे ही एंट्री की लाइन में लगा, अपने बैग वगैरह थे वो सब वेट करवाए, जैसे मेरी टर्न आई मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, साथ ही उनको अपने जो फ्लाइट टिकट है वो दिखाई। उसके बाद उन्होंने ना तीनों बोर्डिंग पास मेरे को उसी टाइम दे दिए थे, यानी एयर इंडिया, एयर कैनेडा, एयर कैनेडा। तो उन्होंने इमिग्रेशन में मेरे से क्वेश्चन पूछे, क्यों जा रहे हो, कहाँ जाओगे, क्या कोर्स है आपका, और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, और कॉलेज की फीस रिसिप्ट, एंड मतलब कॉलेज से रिलेटेड थे, LOA वगैरह जो भी था, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। एक बोला था कि जो आपका कॉलेज का स्टूडेंट पोर्टल है उस पर लॉग इन करो, बट मेरे को एक्सेस नहीं था, तो मैंने उनको बोल दिया था कि एक्सेस नहीं है, अभी ओरिएंटेशन के बाद एक्सेस मिलेगा। उसके बाद उन्होंने वेट किया बैगेज का, 23-23 किलो के 2 चेक इन बैगेज अलाउड थे मेरे को, उन दोनों का वेट किया, एक में 23 किलो 500 ग्राम था, दूसरे में 22.5 किलो के अराउंड था, जगह नहीं थी, मतलब 500 ग्राम बच गया था पर जगह नहीं थी कुछ डालने की। उसके बाद वैसे तो अलाउ करते हैं 8 किलो का कैबिन बैग, बट एयर कैनेडा 8 किलो का अलाउ करती है, एयर इंडिया 7 kgs का, तो 7 किलो भाई बिल्कुल एक्यूरेट वेट था मेरे उसमें कैबिन बैग में। देन उसके बाद भाई मैंने वो भी वेट करा लिया, उन पर टैक्स लगा दिए थे। उसके बाद एक बैग और था जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स थे और मेरा लैपटॉप था, उसमें कोई वेट नहीं किया उन्होंने, तो वो भी मेरा पास हो गया था। उसके बाद बैगेज चले गए, अब जाना था हमें अंदर, बोर्डिंग पास मिल चुके थे हमें। जैसे आपने एंट्री की, बोर्डिंग पास लिए, लगेज चेक कराया, उसके बाद आप एग्जिट करोगे उसी रो से। सामने जाओगे 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, सेकेंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर आप जाओ, उसमें गेट नंबर लिखे होते हैं बोर्डिंग पास में। अब मेरा था गेट नंबर 1 था, तो गेट नंबर 1 इन द सेंस कि मेरी जो प्लेन है, फ्लाइट है, वो कौन से गेट पे आएगी, मेरा गेट 1 था। उसके बाद एंट्री की, मैंने सिक्योरिटी चेक से पहले एक और चीज़ आती है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं फिर से, पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, सिर्फ ये 2 ही स्कैन किए जाते हैं। वो जैसे ही आप क्लियर करोगे उसके बाद आएगा सिक्योरिटी चेकअप। सिक्योरिटी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सारे अप्लायंसेस आपके बैग से बाहर निकलवा दिए जाएंगे और वो स्कैन होके आएंगे। स्कैन हो गए उसके बाद चेक इन बैग और कैबिन बैग में क्या क्या लेके जा सकते हो, तो जो कैबिन बैग है उसके अंदर आप ट्रिमर वगैरह ये शार्प ऑब्जेक्ट्स मत लेके जाना, बिल्कुल जो शार्प होंगे ना वो मत लेके जाना, ठीक है। इसमें आप ले जा सकते हो फ़ोन के चार्जर, लैपटॉप चार्जर, या फिर डाटा केबल्स, ये सब आप लेके जा सकते हो, पर ट्रिमर वगैरह मत ले जाना। ट्रिमर आप लेके जाना चेक इन बैग में, उसमें डाल देना, कोई कुछ नहीं पूछेगा भाई, चेक भी मेरे हिसाब से नहीं होते, वो बस वेट करते हैं, ठीक है। एक और ट्रिक बताऊं, जो आपके यूटेंसिल्स होंगे उसमें मिठाई वगैरह ले जा सकते हो, पर घी या जो लिक्विड्स होते हैं वो मत लेके जाना, सेमी सॉलिड्स चल जाएंगे। मेरे को पता नहीं था लेकिन अब पता लग गया कि क्या कुछ सीन होता है, तो आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ले जा सकते हो आप। उसके बाद सिक्योरिटी चेकअप हो गया, उसके बाद आता है भाई अपना ड्यूटी फ्री। यार मेरे को ये था कि मेरे को जल्दी से जाना था और बैठना था क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी, तो मैंने ड्यूटी फ्री इतना एक्सप्लोर नहीं किया, जितना किया था वो आपने पीछे वीडियो में देख लिया है। उसके बाद अपना वेटिंग एरिया था गेट नंबर 1 के पास, वहाँ गया बैठा, मेरे से पहले 2 या 3 बंदे थे और मेरी फ्लाइट थी 6:35 की, यानी 6:30 बजे की, तो 5:30 और 5:35 के आसपास उन्होंने सभी बंदों को बाहर किया और फिर लाइन वाइज 1 by 1 उनके डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक किए, बोर्डिंग पास और डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे उसने फिर से मेरे को बोला कि आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करो, साथ ही अपने कॉलेज के जो फी रिसिप्ट है, LOA, वो फिर से चेक कराओ, चेक करा दिए थे। उसके बाद भाई 6:35 के आसपास हम फ्लाइट में बैठ चुके थे, 7 बजे टेक ऑफ किया। के बाद का क्या सीन था वो बताता हूँ। इसके बाद भाई लंदन पहुँचे थे, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे हम पहुँचे। उसके बाद सब एक ही जगह जा रहे थे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की साइड, मैं भी उन्हीं के साथ साथ चला गया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की साइड।
देन फिर से बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दोनों चेक किए, स्कैन किए, फिर अलाउ के अंदर जाने के लिए। मेरा ऐसा था कि यार मेरे को टर्मिनल टू पे जाना था, जो एयर कनाडा की फ़्लाइट थी लंदन टू मॉन्ट्रियल वो थी टर्मिनल टू पे। सो टर्मिनल टू पे गए और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है भाई वो, काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। देन टर्मिनल टू पे पहुँचे, वहाँ एयर कनाडा के काउंटर पे हमने चेक इन वगैरह किया, जो भी बोर्डिंग पास वगैरह वो चेक करते हैं वो सब किया, और कुछ समय वेट करने के बाद फिर हम प्लेन में बैठे, फिर मॉन्ट्रियल लैंड हुए। मॉन्ट्रियल में था मेन सीन, मेन जो इमिग्रेशन थी, जहाँ से मेरे को स्टडी परमिट एंड वर्क परमिट के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जिसको आप नॉर्मली बोलते हो कि हाँ यार इमिग्रेशन, मेन इमिग्रेशन था मॉन्ट्रियल में। क्योंकि ऐसा रूल होता है कि आप कनाडा में जहाँ भी लैंड करोगे, जिस भी एयरपोर्ट पे पहले लैंड करोगे उसी पे आपका इमिग्रेशन होएगा। तो देखो ये मिथ है या रियलिटी है मेरे को पता नहीं, पर जहाँ तक मेरे को नॉलेज है ऐसा ही होता है। सो मेरे केस में मैं मॉन्ट्रियल रुका था, मॉन्ट्रियल में मेरे 4.5 घंटे का लेओवर था। वहाँ पे यार काफ़ी भीड़ थी, आई होप कि मैंने कोई क्लिप भी डाली है इस वीडियो में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की। सो काफ़ी भीड़ थी लेकिन नंबर आ गया। अब बात करते हैं क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे थे। तो देखो उन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, पासपोर्ट, देन आपका वैलिड कोई भी ईमेल आई हो कॉलेज की साइड से, वो जो भी लेटेस्ट ईमेल होएगी वो। देन वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे किसके पास रहोगे, आपका कोई फ्रेंड है या रेंट पे। भाई सच बोल देना कि मैं यहाँ पे फ्रेंड के पास रहूँगा या कोई होटल करूँगा, उसके बाद अकोमोडेशन देखूँगा। फिर उन्होंने पूछा कि एयरपोर्ट से बाहर जाने के बाद आपको कौन पिक करेगा, आप किसके पास जाओगे। तो मेरे केस में एक फ्रेंड था, तो मैंने बोल दिया कि एयरपोर्ट पे मेरा फ्रेंड मेरे को पिक करने आएगा। देन उन्होंने पूछा कि आपका कोर्स क्या है, जो भी मेरा कोर्स था मैंने उनको बता दिया। फिर उस कोर्स के बारे में पूछा कि इसका क्या फ़ायदा है या फिर इस कोर्स में होता क्या है, तो वो सब एक्सप्लेन कर दो। बस ज़्यादा लाउड टोन मत रखना या ज़्यादा डिम टोन भी मत रखना, अगर लो वोकल रखोगे तो वो सोचेंगे कि यार ये घबरा रहा है, इसको पता नहीं है। भाई घबराता तो देख हर कोई है, सिंपल सी बात है, लेकिन ये फील नहीं कराना कि हम जानते नहीं अपने कोर्स के बारे में। और सब्जेक्ट वगैरह नहीं पूछा यार मेरे केस में, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ लेना कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं। देन हाँ मेरे से ये भी पूछा था कि आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस कितनी है और सेकंड ईयर की भी फ़ीस कितनी है। ये नहीं पूछा कि फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की फ़ीस कहाँ से है या कौन भरेगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे से नहीं पूछा। लेकिन क्या पता आपसे पूछ भी ले, तो बोल देना कि हाँ मेरे पेरेंट्स के पास इनफ फंड्स हैं। देन उन्होंने बोला कि 10 मिनट आप बैठो, मेरा पासपोर्ट था और जो LOA था लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो, ये दोनों रख लिए थे। देन कहा कि आप 10 मिनट वेट करें, और 10 मिनट का बोला था बस उन्होंने, लेकिन 4-5 मिनट में ही उन्होंने बुला लिया था। कह रहे कि आपका स्टडी परमिट और वर्क परमिट, अब दो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दे दिए थे जो चाहिए होते हैं। उसके बाद भाई अलग लेवल की खुशी थी कि जो काम मतलब डर था जिसमें सबसे ज़्यादा वो हो गया है। उसके बाद फिर मैं गया जो काउंटर था एयर कनाडा का दूसरा, वहाँ पे वेट किया मॉन्ट्रियल के अंदर, उसकी क्लिप्स भी मैं यहाँ पे कुछ डाल दूंगा कैसा कुछ था। देन उसके बाद भाई फिर फ्लाइट लेट थी, 30 मिनट लेट थी फ्लाइट, 7:30 के अराउंड चलनी थी, वो 8 बजे के आसपास चली थी। ऐसा करते करते भाई डिले हो गई थी, पता नहीं क्या रीज़न था क्या नहीं था, लेकिन थोड़ी डिले हो गई थी। उसके बाद मैं बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बजे एडमिंटन एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका था, यानी फ्लाइट से बाहर आ चुका था 12 बजे। उसके बाद फिर अपने बैगेज उठाए वहाँ से और चले गए बाहर। मेरे केस में मैंने इमिग्रेशन में बोला था कि मेरा फ्रेंड पिक करेगा मेरे को एयरपोर्ट से, बट ऐसा कुछ नहीं था। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। कैब बुक कर रखी थी क्योंकि भाई यहाँ सब बिजी होते हैं अपने लाइफ में, हर कोई शिफ्ट लगा रहा होता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही कैब बुक की और अपने एड्रेस पे आ गया था। मैं 1:30 बजे के आसपास घर पहुंच गया था, 12 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था। देन 12:30 बज चुके थे जब तक मैंने बैग वगैरह लिए, और फिर कैब वैब करने में ये सब में यार थोड़ा सा टाइम लग गया था। उसके बाद मैं 1:30 बजे के आसपास अपने घर पे पहुंच चुका था। और इसी के साथ भाई अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड, और अगर आपने Part 1 नहीं देखा है तो जाओ Part 1 देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर Part 1 देख के आए हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।
रुको यार, सबर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।